नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज 23 मार्च 2020 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। कोरोना के खतरे को एक पल भी न भुलाए, लॉकडाउन के संकल्प को धैर्य से निभाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। भास्कर गाइड 1995 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड। आज का इतिहास, भारत एवं विश्व इतिहास में आज 23 मार्च की प्रमुख घटनाएं। शिक्षा 31 तक पूरी तरह बंद रहेगी सरकारी और निजी स्कूलें। प्रदेश के 3 लाख से अधिक शिक्षकों को राहत, अब नहीं जाना होगा स्कूल। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर राजस्थान लॉकडाउन को देखते हुए शिक्षा निदेशालय के आदेश जारी। राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड शिक्षक, बीकानेर शिक्षा विभाग। कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित, जयपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। छात्रों की मदद को आगे आए शिक्षक, गणित विषय विशेषज्ञों से मोबाइल के माध्यम से पूछे सवाल, कोटा शिक्षा विभाग। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 5 जुलाई को होगी। परीक्षा के लिए 30 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने किया आवेदन। श्रीगंगानगर सीटेट 2020। कोरोना के कारण सीए छात्रों के प्रशिक्षण स्थगित, 4 महीने की दी मोहलत। सीए फाइनल के छात्र मुख्य परीक्षा के बाद भी ले सकेंगे प्रशिक्षण। जोधपुर, कोरोना से उभरने के बाद ही सामने आएगी स्थिति, अब नौकरी पर संकट, कंपनियों ने टाले प्लेसमेंट। जयपुर कोरोना वायरस मामला। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का फाइनल रिजल्ट जारी, जयपुर। आरटी में विद्यार्थियों के स्कूल प्रवेश को लेकर अभिभावक परेशान, डाबी। कोरोना पर कंट्रोल के बाद ही निर्भर करेगी सत्र की शुरुआत, एमपीयूटी को छोड़ शेष सभी विश्वविद्यालय में देरी से शुरू होगा सत्र। विश्वविद्यालय में तो करीब 60% परीक्षा ही बाकी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश, बाड़मेर। यूपीएससी अप्रैल महीने तक जिनके साक्षात्कार अब उन्हें देनी हो देंगे नई तारीख। पीटीटी की परीक्षा के लिए भी अब आवेदन की तिथि 27 तक बढ़ाई, नागौर भास्कर। सुखद खबरें, मदद, 501 शिक्षक कोरोना से लड़ाई में वेतन से देंगे 10 लाख रुपए। बोर्ड ने स्टूडेंट्स के लिए शुरू की कोरोना अवेयरनेस टेली काउंसलिंग। सीबीएसई के स्टूडेंट से अपील, एवेंजर्स की तरह कोरोना को हराने में करें मदद, जयपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 31 तक जारी नहीं होंगे दस्तावेज, अजमेर पत्रिका। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। एमडीएस में शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्य स्थगित, अजमेर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। आईसीआई ने ओरिएंटेशन और आईटी ट्रेनिंग में दी छूट, चित्तौड़गढ़ भास्कर। नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की 68 वर्षीय मां, दूसरों के लिए सील रही कपड़ों के मास्क, अलवर। शिक्षा में नवाचार, दीक्षा ऐप से छुट्टियों में घर बैठे ही पढ़ाई कर सकेंगे बच्चे। सीबीएसई की ओर से बच्चों और अभिभावकों को मोबाइल पर मैसेज कर दी जा रही है जानकारी। धौलपुर, परीक्षाओं का संशोधित टाइम टेबल बनाने में जुटा सीबीएसई। श्रीगंगानगर, होम आइसोलेट संदिग्धों की निगरानी अब टीचर्स करेंगे। विभाग ने रात को जारी की सूची, सुबह 5 से दोपहर 2 बजे और दोपहर 2 से रात 11 बजे तक देंगे ड्यूटी, अजमेर। 5 केंद्रों के बोर्ड परीक्षा पेपर मेड स्कूल से उठाकर थाने में जमा कराए, मेड। सीएमए व कंपनी सेक्रेटरीज ने भी क्लासेस पर लगाई रोक, इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन क्लासेस के जरिए स्टूडेंट्स के डाउट्स सॉल्व कर रहे हैं, सिटी रिपोर्टर।
शिक्षा स्कूल व विद्यार्थी इंतजार नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करे, कोरोना वायरस मामला। जनता कर्फ्यू का असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। 400 कोचिंग संस्थान, 2 लाख विद्यार्थी सुना पड़ा रहा कोचिंग हब गोपालपुरा रोड जयपुर। मॉरिशस में फंसे स्टूडेंट्स ने वीडियो मैसेज भेजा, 200 से ज्यादा मेडिकल छात्रों ने पीएम मोदी से मांगी मदद। सुजानगढ़ चूरू, अच्छी पहल, विश्वविद्यालय शिक्षक एक दिन का वेतन सहायता कोष में देंगे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर शिक्षक संघ ने कुलपति को लिखा पत्र, विश्वविद्यालय में आमजन का प्रवेश नहीं। जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कोचिंग विद्यार्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। कोटा, कोरोना वायरस ने ब्लॉक स्तर पर अंग्रेजी स्कूल खोलने की प्रक्रिया रोकी, शिक्षकों से लेकर स्टाफ तक अंग्रेजी विषय के होंगे नियुक्त। कोटा शिक्षा विभाग कोचिंग विद्यार्थियों का ध्यान रखने का आग्रह। कोटा, खाने पीने की हुई समस्या, कोचिंग स्टूडेंट और अभिभावक परेशान। कोटा नवज्योति, एमडीएस विश्वविद्यालय और कॉलेजों में आज से अवकाश, कार्मिकों को दी वर्क टू होम की जिम्मेदारी। अजमेर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, शिक्षकों को घर से तैयार करने होंगे ई कंटेंट। तो दोस्तों, इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।